डिया स्टूडेंट्स ना वी आर टू डेट ऑन ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन कीपिंग डेट का ये मतलब है कि ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें जो इम्प्रूवमेंट आ रही है उसको भी अडॉप्ट करना उसमें किसी किस्म की लजिसलेटिव चेंजेस आ रही है उसको भी अडोप्ट करना इसको हम कहते हैं कीपिंग अप टू डेट्स ऑन ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन नंबर वन अस्टैब्लिश कंटेक्ट विद दी नियरेस्ट रीजनल एरिया ऑफिस ऑफ आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन नंबर टू रेव्यू प्रोफेशनल लिटरेचर लिटरेचर आपको मालूम है कि आपकी फील्ड के रेलिवेंट डेटा होता है जो ऑल ओवर द वर्ड एक्सेसिबल है और ऑल ओवर दर्ड अवेलेबल है आप उस लिटरेचर को अपनी स्टडी में यूज़ करके बेहतरीन तरीके से उसके नतज़ मुरतब कर सकते हैं तो आप लोगों के पास जो लेटेस्ट डेटा है लेटेस्ट इन्फॉमेशन है लेटेस्ट फैक्ट एंड फिगर हैं लेटेस्ट पॉलिसी है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन की उसको अडाप्ट करना हमारी ड्यूटी है इस्टेबलिश एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर सेफ्टी एंड सिर्फ आपने आई एस ओ की इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी बल्कि ये देखें कि उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोडक्शन में है प्रोसेस में है सिस्टम में है ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट में है इन सब चीज़ों को साथ लेकर आपने चलना है जॉइन प्रोफेशनल रिव्यू देयर देयर लिटरेचर एंड अटेंड ऑर्गेनाइजेशनफ्रेंसेज ताकि आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन का पता चल सके कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है टेक्नोलॉजिकली कहाँ स्टैंड कर रही है सोशल ऑडिट के हवाले से कहाँ स्टैंड कर रही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से कहाँ स्टैंड कर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज एंड रेगुलेशन के हवाले से कहाँ स्टैंड कर रही है प्रॉब्लम्स विद ओ एस एच ए मोस्ट क्रिटिसिजम ऑफ ओ एस एच ए कम्स इन दी मेजर एक्सीडेंट आरक प्लेस डिजास्टर जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशू पैदा हो जाए कोई डिजास्टर पैदा हो जाए तो उसके बाद असल इशू पैदा होता है हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन हाउ टू रिपोर्ट दैट कंडीशन हाउ टू रिपोर्ट दैट एक्सीडेंट इन सब चीज़ों को लेके आर्गनाइजेशन के डेफिनेटली डिपार्टमेंट्स होंगे जो इन चीज़ों को एड्रेस करते होंगे लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो डिपार्टमेंट सफिशेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते या इतने वर्केबल कंडीशन में नहीं होते तो आप फिर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉर्ज को अतमाद में ले सकते इन सच केसेज द क्रिटिसिजम ट्रेंड्स टू फोकस ऑन द क्वेश्चन वाई डिड नाट ओ एस एच ए प्रिवेंट दिस डिज़ासर कि ये जो डिज़ास्टर पैदा हुआ है आकोपेशन सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन ने इसको मैल इसको सॉल्व करने के लिए पहले से प्रिवेंटिव मैल क्यों नहीं लिए तो नो प्रॉब्लम डू इटूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी क्वालिटी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है अगर कोई डिजास्टर हो जाता है कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको इस तरह सॉल्व करें कि नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम दोबारा पैदा ना हो इस तरह हम इन चीज़ों को लेके उसकी सर्टिफिकेशन लेके आप इन चीज़ों से काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसज ये डी स्टूडेंट्स एजेंसीज हैं और आर्गनाइजेशन हैं जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन के अलावा भी काम कर रही हैं और ये जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं डिपार्टमेंट्स हैं अलाइड इंस्टीट्यूट हैं मेन उनके साथ मिलते जुलते अदारे हैं इन सब की अगर आप मेम्बरशिप लेंगे तो काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग एनवायरमेंट को बेटर वे में कंट्रोल किया जा सकता है ईच ईयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आकोपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पब्लिश अपडेटेड लिस्ट ऑफ टॉक्सिक मटीरियल एंड रिकमेंडेड टॉलरेंस लेवल्स एजुकेशनल कम्पोनेट्स ये कुछ फिगर ये स्टूडेंट्स यहाँ बयान किए गए हैं इन सब फिगर का ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टीट्यूट्स का अदर एजेंसी का का ये मतलब है कि अगर आप लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड फॉलो करें और जो अलाइड एजेंसीज है उनकी मेंबरशिप लें उनकी सर्विसेज जो हैं उनको अवेल करें काफ़ी हद हाँ तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैजर्ड फ्री एनवायरनमेंट एम्प्लॉज़ के लिए डेवलप कर सकते